इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया हमला। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त इंदौर से, जहां कांग्रेस समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया है। बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक पर हमला हुआ है, कांग्रेस समर्थकों ने जिंदा जलाने का प्रयास किया है। ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है और ये कोशिश कांग्रेस समर्थकों ने की है। इंदौर के हीरानगर थाने में आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। इस घटना के बाद चारों आरोपी फरार हो गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह के शॉट्स हैं, वो आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह इस बार चुनाव के बाद जो है माहौल गर्मा गया है। चुनाव के दिन भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आमना सामना हुआ था और पत्थरबाजी हुई थी। इतना ही नहीं, एक बार फिर से कांग्रेस समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ये बड़ा हमला कपिल पाठक पर हुआ है, जिसमें कांग्रेस समर्थकों ने उसे जिंदा जलाने का प्रयास भी किया है। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन आरोपी जो है वो घटना के बाद फरार है। वीके न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।